नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिलासपुर में आयोजित चुनावी सभा में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने माँ महामाया अरमा मया की जयकारों से गूंज उठी। इसके बाद से महासचिव प्रियंका गांधी खैरागढ़ में की गई घोषणाओं को एक बार फिर से दोहराया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। वहीं चुनाव को लेकर के सभी पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा में भी विधानसभा के प्रत्याशी तरह तरह के उपाय कर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। कोई अपने आप को गरीब का बेटा बता रहा है, तो कोई किसान का बेटा बता करके मतदाताओं को रिझा रहा है। वही गुंडरदेही विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र साहू भी आज प्रचार करने निकले थे। इस दौरान रास्ते में उन्हें एक सपेरा मिल गया। इस पर वीरेंद्र साहू ने उस सपेरे से सांप लेकर अपने गले में डालकर कर्तव्य दिखाया और मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने का दौर सोमवार से खत्म हो गया है। आखिरी दिन तक बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए 134 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा कर दिया है। कांग्रेस ने भारी भीड़ के साथ नामांकन रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई। अब नामांकन पत्रों की जांच के बाद 2 नवम्बर तक नाम वापसी का समय दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन था। राजधानी रायपुर में बीजेपी ने भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। इस रैली में जिले के 7 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशी एक साथ शामिल हुए। हालांकि इस रैली से कई जगह सड़क जाम ने भी हालत बनाए रखा था, जिसकी वजह से जनता काफी ज्यादा परेशान दिखाई दी। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।